मंडल स्तरीय उद्योग बंधुओं की मासिक समीक्षा बैठक मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में संपन्न हुआ। बैठक में मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने निर्देश दिए कि उद्यमियों की समस्याओं का गुणवत्ता युक्त एवं समयबद्ध निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र गीडा में CETP की स्थापना के संबंध में बताया कि इसके लिए 92.34 करोड़ रुपये का DPR NMCG को प्रेषित किया जा चुका है। कालेसर पॉइंट को आवासीय एवं कमर्शियल में विकसित करने के संबंध में गीडा द्वारा योजना का तलपट मानचित्र कंसल्टेंट द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रथम चरण में लगभग 70 एकड़ भूमि विकसित करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा मंडलायुक्त ने उद्यमियों के विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करते हुए उसके निराकरण के निर्देश दिए। बैठक में गीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी पवन अग्रवाल सहित संबंधित विभागों के अधिकारी तथा उद्यमी बंधु मौजूद रहे। चेंज उसमें ये हो गया कि पहले क्या है कि CST जो टैक्स लगता था वो 2% लगता था, क्रेडिट पे रहता है। कोई भी नई यूनिट में जो हम लगाते हैं 10 करोड़ का 3 साल और पहले वो केवल 2% था जो टैक्स लगता था, तो पहले ये होता भी था। बाकी अन्य को नहीं मिल पाया है, कुछ दिक्कतें खामियां हैं, इसको हम लोग दूसरा प्रारूप बना रहे हैं जिसको इंटरेस्ट सब्जी और कैपिटल सब्जी से पूरा करेंगे। आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जो आप चाहिए। बिल 13 विभाग द्वारा गाँव में प्रगति बहुत कम है, 50% की जानकारी लेनी है। सर इसमें ये हम लोग जानना चाह रहे थे सर, इसके लिए जैसे पैक ड्रेन भी बन रहा है तभी ये अपनी कार्रवाई पूरी हो पाए। नेटवर्क चैनल जो बन रहे थे वो कुछ और भी ऑब्जेक्शन लगे थे, उसके साथ ये भी लगा था कि नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान भी उसके साथ पूरा होना चाहिए। उसमें एक तो जो भी यूनिट्स हैं पॉल्यूटिंग यूनिट उनको अपना अंदर यूनिट लगाना पड़ेगा और उसके अलावा हम लोग को वहाँ तक कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि वो ड्रेन से CETP की लोकेशन तक पहुँच जाए। इसके साथ में जैसे जो NMCG में अप्रूवल के लिए गया है वो तो टेक्निकल और फाइनेंशियल अप्रूवल है वहाँ से, उसके अलावा CETP के कंस्ट्रक्शन के लिए हमें एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट वाला अप्रूवल भी चाहिए होता है पॉल्यूशन बोर्ड से, ये स्टेट से होता है वो, तो उसके लिए हमने उसका अप्लाई भी कर दिया है कंसल्टेंट नियुक्त करके, ताकि वो जैसे ही अप्रूवल आए, क्योंकि उसमें भी महीना दो महीना लगेगा, वो प्रोसेस भी लेंदी है, ताकि जैसे ही वहाँ से अप्रूवल आए तो वो काम भी पहले वेट कर रहे थे कि उसके अप्रूवल आ जाएगा तब करेंगे। वो भी हमने सर की जो लास्ट बैठक में तो आप लोग थे जब सर आए थे जी सर, उसके हमने वो काम भी कर दिया था, तो टेकअप होना था हमारा एजेंडा लेकिन टेकअप हो नहीं पाया क्योंकि टाइम खत्म हो गया, वो 2-2.5 बजे तक वेट किए लेकिन फिर हो नहीं पाया, तो नेक्स्ट मीटिंग में उम्मीद है कि हो जाए।